गडकरी की चेतावनी, ठेकेदार याद रखें, खराब काम किया तो बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा, नेताओं की भी ली क्लास। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को उनके विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। सड़क निर्माण हो या हाईवे निर्माण, कुछ इनोवेशन हो या फिर अधिकारियों को लताड़ लगाना, नितिन गडकरी किसी चीज से परहेज नहीं करते हैं। घटिया कामों के लिए अधिकारियों को वो समय समय पर लताड़ भी लगाते हैं। शनिवार को नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में एक भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान गडकरी ने नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की जमकर क्लास ली। गडकरी ने कहा कि नेताओं को सिर्फ अपने बेटे की रोजगार की चिंता रहती है, आधे नेता तो इसी में लगे रहते हैं। नेता बोलता है पत्नी को टिकट दो, चमचे को टिकट दो। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान कहा, नेता बोलता है पत्नी को टिकट दो, चमचे को टिकट दो, ड्राइवर को टिकट दो, चौथा नाम नहीं रहता इसके पास, बहुत रहा तो बोलते हैं कि हमारी जाति वाले को टिकट दो। केंद्रीय मंत्री ने जनता से कहा कि उन्होंने एवं देवेंद्र फडणवीस ने यह निर्णय लिया है कि हमें अपने बेटों की चिंता नहीं करनी है, आप लोगों के बेटे की चिंता करनी है। देवेंद्र जी की बेटी तो अभी काफी छोटी है। उन्होंने आगे कहा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर खराब काम करता है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए, जो भी खराब काम करता है उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए, कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करो, क्योंकि लक्ष्मी दर्शन हम लोगों ने नहीं किया है। ठेकेदार याद रखे, यदि खराब काम किया तो बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा, इसलिए अच्छा काम करो। कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को भी दी हिदायत। इस दौरान गडकरी ने नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों की भी क्लास ली है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा, बारिश का मौसम है, ड्रेनेज नाली पूरी तरीके से साफ होनी चाहिए। गडकरी ने कहा कि वो 4-5 दिन अभी नागपुर रहने वाले हैं और बरसात में घूमेंगे। बारिश आती है और यदि कहीं पानी रुकता है तो वो जनता को लेकर महानगर पालिका के कमिश्नर दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करवाएंगे। नमस्कार। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय आमदार विकास ठाकरे, मंच पर उपस्थित माजी महापौर मायाताई संदीप जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन और इस क्षेत्र के नगर सेवक संदीप जी, संदीप जोशी, संदीप जाधव, माजी महापौर दयाशंकर जी भी है। अच्छा, इकला नहीं है। मंच पर उपस्थित सभी नगर सेवक पदाधिकारीगण और विशेष रूप से हमारे कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये बात सही है कि इस क्षेत्र में काफी विकास करने की आवश्यकता है और इसीलिए मायाताई ने जब कहा कि विकास ठाकरे जी को कहा कि विकास करने के लिए मदद करिए, तो मैं मन में सोच रहा था इनके नाम में ही विकास है तो मदद तो करनी पड़ेगी। वैसे एक बात है कि चुनाव में अलग अलग पार्टी से हम लोग जरूर चुनाव लड़ते हैं, पर देवेंद्र जी हो, मैं हो, हमने राजनीति में एक परंपरा का पालन किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद जो विरोध करने वाला व्यक्ति हो, गालियां देने वाला व्यक्ति हो, वो भी घर पर आता है तो उसका काम करना चाहिए। जो कानूनी काम है, सही काम है, वो किसी का भी हो, वो किसी भी हालत में करना चाहिए, और जो गलत काम होगा वो अपने का भी होगा तो भी नहीं करना चाहिए, यही संस्कार हमको मिला। पहली बात तो ऐसे कि नागपुर शहर में 24/7 जिसके बारे में योजना लाई गई, और मुझे कभी कभी अपनी गलतियों को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होता। इस समय जो फ्रेंच कंपनी थे उसके ऑफिस बेयरर मेरे पास आए थे, विवोलिया, और मैंने उनको इतनी गालियां दी और गालियां अंग्रेजी में ट्रांसफर करके कि वो बेचारे लाल लाल हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। जितनी आप घर में नहीं देते होंगे उससे ज्यादा भी बढ़कर दी, इसलिए आप समझ लो क्या दिया होगा। और इसमें 3 त्रुटियां रही है, कुछ हमारी गलतियां रही है, कुछ उनकी गलतियां रही है। पहली बात तो यह है कि हमारे यहां कन्हान में फीडर लाइन ही नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में हर जगह जहां जहां पानी की योजना है
वहाँ MSEB की फीडर लाइन है और दिन में दो बार चार बार लाइट जाते हैं और जिसके कारण ये फीडर लाइन न होने के कारण तकलीफ होती है। तो मैंने अभी आयुक्त जी को कहा कि भाई तुरंत फीडर लाइन को अप्लाई करिए ताकि 24 घंटे लाइन रहेगी। हमारा जो पानी आता है वो 750 ml आता है, पर इनके पास जो हिसाब है वो 400 ml का ही है। 300 का पानी कहाँ आ रहा, कहाँ घुस रहा, किसके यहाँ जा रहा पता नहीं है, और ये एक गंभीर बात है। फिर और एक बात ध्यान में आई कि पानी की टंकियाँ बनाने के लिए उसमें मेरी गलती हुई। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और उस समय वैपकॉस मेरे अंडर थी और इसलिए बहुत लोअर जाके उन्होंने टेंडर लिया, वो घाटे में गए और काम भी ठीक से नहीं कर रहे थे। उनको भी मैंने कहा कि ये तुम एक तो हटो, पर मैं अभिनंदन करूँगा, अभी AC बनी है हमारी, मैडम क्या नाम आपका, बैनर्जी मैडम, वैसे कॉरपोरेशन में अभिनंदन करने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं एक बात आज बताई, जब पर्दा हटता है तो वो जो सिस्टम है ना, मैं देश में सबसे ज़्यादा भूमि पूजन और उद्घाटन कर चुका हूँ, पर ऐसी सिस्टम और कहीं नहीं है। एक महानगर मालिका एक चीज़ अच्छी ये है, दूसरी चीज़ अच्छी है कि यहाँ अभी उतना नहीं है, पर एक समय यहाँ के टीचर और बच्चे बहुत अच्छे देशभक्ति के गीत गाते थे। जब मैं उनको मंत्री था तो मैं उनको मुंबई में सायन के उड्डान पुल के समय गीत गाने के लिए वो टीचर्स को और उनको लेके गया था, इतना सुंदर गाते थे। पर महानगर पालिका में ये जो पानी की जो योजना थे उसमें जो टाकियाँ बनानी थी वो समय पर नहीं बनी।